वेलकम टू गूगल बॉलीवुड। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक जैसी पैट्रियोटिक फिल्में करने वाले विकी कौशल रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी में फंस चुके थे। जी हाँ, विकी कौशल की बात करें तो पिछले दिनों उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में जगह ली है, जिसके चलते विकी कौशल सुर्खियों में बने हुए थे। इस कॉन्ट्रोवर्सी के पीछे की वजह थी करण जौहर की पार्टी, लेकिन इसकी एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जो कि करण जौहर ने ही अपलोड की थी, जिसके चलते लोगों का कहना था, सोशल मीडिया यूजर्स का कहना था कि इस पार्टी में विकी कौशल ने ड्रग लिए हैं और ये एक ड्रग पार्टी थी, जिसके चलते विकी कौशल काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी रहे, जिस पर करण जौहर ने जवाब भी दिया था और कहा था कि ऐसा बिल्कुल गलत है और इसको अगली बार सहा बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन विकी कौशल का फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन रिसेंटली विकी कौशल ने इस पर अपना रिएक्शन दे दिया है और एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए विकी कौशल ने इस बात का जवाब दिया है। विकी कौशल ने अपने रिसेंटली दिए गए इंटरव्यू में इस बात का जवाब दिया है और साथ ही साथ ये भी बताया था कि जब वो ये वीडियो बना रहे थे तो करण जौहर ने ये जो वीडियो है पहले टेक में नहीं बनाई थी, ये तीसरे या चौथे टेक में वीडियो बनाई गई थी, जिसके बाद उनका कहना था कि उनके रिएक्शंस जो हैं, उनके एक्सप्रेशन जो हैं बिल्कुल सही थे, नॉर्मल थे, और अगर बात करें नाक पर लगे निशान की तो उन्हें नहीं पता कि इसका मतलब ड्रग्स होता है। इसके बाद विकी कौशल ने ये भी बताया कि वो सब जब वहां बैठे हुए थे, करण की जो माँ है किसी ट्रिप से आई थी और 5 मिनट पहले ही उन्होंने हम सब पर गंगा जल छिड़का था। इसके बाद अगर हम विकी कौशल की बात करें तो विकी कौशल को भी कहीं ना कहीं ये उम्मीदें थी इन र्यूमर्स की, इन कंट्रोवर्सीज की, उनके जो फैंस है इस पर विश्वास नहीं करेंगे, और विकी कौशल ने अपना पक्ष भी बहुत स्ट्रांगली अब रख दिया है। विकी कौशल ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि उस पार्टी में कोई भी ड्रग्स नहीं थे, कोई ड्रग पार्टी नहीं थी, वो एक नॉर्मल गेट टूगेदर थी। वहीं विकी कौशल के फिल्मी ग्राफ की बात करें तो विकी कौशल अपने आने वाले दिनों में काफी सारी मूवीज लेके आने वाले हैं। उनमें से एक है शहीद उधम सिंह की बायोपिक, जिसमें विकी कौशल उधम सिंह का किरदार निभाने वाले हैं, यानी शहीद उधम सिंह का किरदार निभाते हुए हमें विकी कौशल नजर आएंगे। उसके बाद वो औरंगजेब का किरदार भी निभाने वाले हैं करण जौहर की आने वाली फिल्म तख्त में। विकी कौशल के फैंस जो हैं इन फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।